मोदी जी नमस्कार। मैं आपके माध्यम से द्रौपदी मुर्मू जी, जो देश की 15वीं और महिला में दूसरी राष्ट्रपति के साथ ही आदिवासी समुदाय से पहली राष्ट्रपति बनी हैं, आपके माध्यम से मैं उनके बारे में जानकारी चाहता हूँ। मोदी जी, मुझे भी मुर्मू जी के जन्म से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का संपूर्ण जानकारी दें। बिल्कुल बच्चों, मैं आप लोगों को मुर्मू जी के बारे में पूरी विस्तार से बताता हूँ। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरगंज इलाके के एक आदिवासी समुदाय में एक संथाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुड्डू एक किसान थे। द्रौपदी जी की शादी श्यामा चरण मुर्मू से हुई थी। उनके दो बेटे और दो बेटियां हुई। साल 1984 में एक बेटी की मौत हो गई। 2009 से 2014 के बीच उन्होंने अपने दोनों बेटों और पति को भी खो दिया। अगर उनके करियर की बात करें तो उन्होंने रामा देवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के तत्पश्चात उड़ीसा गवर्नमेंट में बिजली डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर इन्होंने नौकरी प्राप्त की। इन्होंने ये नौकरी साल 1979 से लेकर साल 1983 तक की। इसके बाद 1994 में रायरंगपुर में मौजूद अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में एज ए टीचर के तौर पर इन्होंने काम करना चालू किया और ये काम इन्होंने 1997 तक किया। अगर उनकी राजनीतिक करियर की बात करें तो साल 1997 का वो समय था जब पहली बार उन्हें जिला पार्षद चुना गया। इसके अलावा इन्हें साल 2002 से लेकर साल 2009 तक मयूरगंज जिला भाजपा का अध्यक्ष बनने का मौका भी मिला। साल 2000 से लेके 2009 तक दो बार विधायक चुनी गई। उड़ीसा में वह वाणिज्य के लिए स्वतंत्र प्रभार वाली राज्य मंत्री थी और मार्च 2000 से मई 2004 तक पहले परिवहन और बाद में मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास भी संभाला। 18 मई 2015 को उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। वे झारखंड राज्य की नवी राज्यपाल रहीं और साथ ही वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी। एज ए राज्यपाल उनका कार्यकाल 6 साल 2015 से लेके 2021 तक रहा। 25 जुलाई 2022 को उन्होंने भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पे शपथ ली। इसके साथ ही वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। सर, विपक्ष के कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि मुर्मू जी एक रबर स्टाम्प राष्ट्रपति बनकर आ जाएंगी, इस पे आपका क्या कहना है? हाँ सर, मैंने भी ये सुना है। विपक्ष के कुछ लोग जैसे कि जसवंत सिन्हा एंड तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुर्मू जी एक रबर स्टाम्प राष्ट्रपति बनकर रह जाएंगी। मुझको ऐसा लगता है कि कुछ लोग उनके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं रखते हैं। अगर उनके जीवन के संघर्ष को देखें तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर बात करें रबर स्टाम्प की तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उनके जीवन काल की कुछ ऐसी घटना है जैसे कि जब वो राज्यपाल थी उस समय झारखंड में एनडीए और केंद्र में भी एनडीए की सरकार थी और एनडीए ने ही उनको एज ए राज्यपाल नियुक्त किया था। और जब झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बिल लेके आए, टीएनसी एक्ट, जो कि विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचा, तो उन्होंने उस बिल को खारिज कर दिया, साइन नहीं किया, रिटर्न कर दिया। इसके अलावा भी एक उदाहरण है पत्थलगड़ी आंदोलन का। अगर इनको कार्यशैली को देखा जाए तो एक ईमानदारी से और संविधान के अनुरूप काम किया। सर, आपने जो मुर्मू जी के बारे में जानकारी दी उससे हमें उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू सर।